लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वेरी बैड लिस, तुम इतना स्वीट वॉइस में ट्रेजेडी गाना कहीं को गाता है, कहीं को याद करता है उसको? याद करने के सिवा और क्या कर सकते हैं? किसी की नजर बदलती है, किसी की दुनिया बदल जाती है, समझ में नहीं आता सब क्या हो रहा है। Well, बहुत सा प्रॉब्लम ऐसा होता है दलदल का माफक, जितना समझने का ट्राई करेगा उतना दलदल में फंसता जाएगा। Well, forget it, भूल जाओ। लेकिन जो ये कैसे हो सकता है, अंकल मेरे सामने मरे और अजय किसी दूसरे की तस्वीर दिखाता है, मरने के बाद क्या अंकल की शक्ल बदल गई? Well, फोटोग्राफर का मिस्टेक हो ना सकता। चलो डिनर रेडी है, हम लेकर आया है, खाएंगा। चलो भूख तो हमको भी नहीं लगता है, लेकिन हम खाना कभी नहीं छोड़ते। कम ऑन कम ऑन। क्या पता चला? मौत स्ट्रैंगुलेशन से हुई है और लाश मिलने से कुछ देर पहले मर्डर हुआ था। कौन थी वो? मरने वाले का नाम माया था, ये उस रमेश की बीवी है जिसका मर्डर कुछ दिन पहले हुआ था। रमेश के बड़े भाई प्रकाश का भी अभी तक पता नहीं चल सका। सर, मरने वाले की ब्लाउज में से चिट्ठी मिली है, पढ़ो इसे। प्रिय लिस, ये ठीक है कि हम एक दूसरे के लिए अनजान हैं, फिर भी मैं अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए तुम्हें ये चिट्ठी लिख रही हूँ। तुम शायद नहीं जानती कि मेरे पति रमेश बहुत ही बुरे आदमी थे। शराब उनके लिए बाप भाई और उनकी औरत से बढ़ के थी। वो एक वक्त की शराब के लिए बड़े से बड़ा पाप कर सकते थे। उनके पाप की वजह से शायद अब मेरी ज़िंदगी भी खतरे में है। कोई औरत कभी अपने पति के पाप जाहिर नहीं करती, लेकिन अब ये बोझ मुझसे नहीं उठता। एक दिन उनके बड़े भाई प्रकाश उनको समझाने के लिए मेरे घर आए। प्रकाश भैया बहुत शरीफ आदमी थे। दोनों भाइयों में घरेलू हालात पर झगड़ा शुरू हुआ। ये झगड़ा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही गया। शर्म नहीं आती, ना बाप को पूछता है ना औरत की खबर लेता है। माँ को जला जला कर मार डाला, अब मेरी जान देगा। दिन शराब, रात शराब, शराब के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। क्या देखूं, किसको देखूं? तुम लोग भूखे मरते हो, मर जाओ, मैं क्या करूं? मुझे पीने को नहीं मिलते, तुम लोग को खाना कहां से दो? शर्म कहीं का, तू किसी को खाने को क्या देगा? मेरी शराब गिरा दी तुमने, मेरी शराब गिरा दी। क्यों गिराई मेरी शराब? क्यों गिराई? क्यों गिराई मेरी शराब? क्यों गिराई? तुमने जाओ डॉक्टर को बुला के लाओ। मुझे डॉक्टर के पास, तुमने भैया को मार डाला। मार डाला? हाँ, तुमने भैया को मार डाला। डॉक्टर
नहीं नहीं, मैं ये लाश नहीं बिकने दूंगी। मैं पहले नहीं जानती थी कि लाश किसने खरीदी, लेकिन खत तो अधूरा है। इनकम्प्लीट। यस सर। लेकिन इस खत से प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि डेड बॉडी प्रकाश की थी। लेकिन लिस की ट्रंक कॉल के मुताबिक तो डेथ लिस के अंकल की हुई थी, तो लाश खरीदने वाला कौन हो सकता है? हो सकता है ये लाश लिस के अंकल ने खरीदी हो। तो हमें लिस के अंकल का पता लगाना चाहिए। यस सर। एक इन्फॉर्मेशन और है, हमारी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक इंश्योरेंस वालों ने रुपया लिस को दे दिया है। ये बहुत अच्छा हुआ, जो कोई भी ये कर रहा है वो पैसे के लिए कर रहा है। अब जब लिस को पैसा मिल गया तो वो लोग, और हाँ, मिस्टर जो अब तक लिस के साथ ही है ना? जी हाँ। तुम एक टेम बॉलर, तुम्हारा सिटी में कोई गर्लफ्रेंड है? क्या नाम उसका? सूजी। ओह यस, सूजी। हम अभी जाएंगे, सूजी को लेकर आएंगे। कहीं को वो रात को तुम्हारा साथ रह नहीं सकते। मैं अकेली रह सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। वेल, हमको मालूम जरूरत है। इधर का बिली लोग कौन सा कबाट खोलेगा, क्या निकालेगा, वेरी डेंजरस। हम जाएंगे, सूजी को शाम तक लेकर ही जाएंगे। तुम केक को पकड़ के रखो। हाँ, हम फिर तुम सरगोदर। नहीं, मैं तुम्हारे पास खाली हाथ आया हूं, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं चाहता। हाथ फैलाने से हाथ नहीं भरता, तुम्हें अपने ही दरवाजे से भिखारी की तरह खाली हाथ जाना पड़ेगा। ज्यादा जिद ना करो, मैं समझाना भी जानता हूं और जिद को तोड़ना भी जानता हूं। वो कोई और होंगे जिनको तुमने कुचल दिया होगा, तुम मेरी जिद नहीं तोड़ सकोगे। मैं एक कमजोर औरत को जिद का मौका नहीं दूंगा। मैंने रात भी तुमसे पूछा था कि अजय को लेटर और बैंक के लिए चेक लिखती हो या नहीं। मैंने पहले तुमसे कह दिया था, ना मैं अजय को लेटर लिखूंगी ना चेक पर दस्तखत करूंगी, जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि अंकल का क्या हुआ। अंकल को भूल जाओ, तुम अपने लिए सोचो, अपने दोस्त के लिए सोचो। तुम्हारी मोहब्बत और जिंदगी कब्र के अंधेरे में खो जाएगी। मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। दोस्त ने आंखें फेर ली, मोहब्बत बर्बाद हो गई, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तुम मुजरिमों ने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। तुम सब कुछ खरीद सकती हो, अपना दोस्त, अपना प्यार, अपनी खूबसूरत जिंदगी, सिर्फ 2.5 लाख के चेक के बदले में। तुम जैसे भिखारी से मैं कुछ नहीं खरीद सकती। अगर तुम नहीं खरीद सकती हो तो फिर तुम्हारे अजय को इज्जत, नौकरी और अपना करियर सब कुछ बेचना पड़ेगा, जिसकी कीमत लग चुकी है। कीमत लग चुकी है, और वो कीमत तुम्हारे ये गंदे और खूनी हाथ अदा करेंगे। नहीं, शायद तुम्हें इसकी खबर नहीं कि जमाना उसके लिए क्या फैसला कर रहा है। पुलिस ऑफिसर अजय की कार्रवाइयों पर शुभ, पहले लाश गायब और फिर लड़की गायब। नहीं, ये सब झूठ है।
किसी की जिंदगी से नहीं खेल सकते। मैं पुलिस में कह देती हूँ। मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ से कोई नहीं जा सकता। अगर तुम जाने की कोशिश करोगी तो जिंदा नहीं जाओगी, तुम्हारी लाश जाएगी। मुझे एक बार उससे मिलने दो, मैं वादा करती हूँ इंश्योरेंस का सारा रुपया मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी। मैं जीने की उम्मीद पर मौत का खतरा मोल नहीं ले सकता। अगर इतबार नहीं तो मेरे साथ चलो, चेक कैश करवा के मैं तुम्हें पैसा वहीं दे दूंगी। गया हुआ वक्त वापस नहीं आता, वो टाइम गुजर गया जब मेरा आदमी पुरनोट लेकर तुम्हारे पास गया था। तुम चाहती तो उसी वक्त कैश दे सकती थी। मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, मुझे जाने दो। नहीं, मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं दूंगा। कैश मैं तुमसे नहीं अजय से लूंगा। तुम सिर्फ चेक पर दस्तखत करोगी। दस्तखत? हाँ दस्तखत। ये रही तुम्हारी चेकबुक, और अजय के नाम एक चिट्ठी लिखो कि जहां कहा जाए कैश पहुंचा दे। तुम्हारी और अजय की जिंदगी से मौत का साया सिर्फ इसी तरह हट सकता है। अजय, अब तक तो हमने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। वो लोग लीज को ले गए, उससे पैसे मांगेंगे। मुझे यकीन है कि उसके बाद उनका हाथ तुम्हारी तरफ जरूर बढ़ेगा। कोई ना कोई फैसला तो होना ही चाहिए। इसी फैसले के लिए तो मैं तुम्हें खतरे में डाल रहा हूं। लो, आखिरी खाना खा लो। आखिरी खाना? तो क्या उसके बाद रवाना? मालूम नहीं। क्या बात करता है अंकल, तुमको कब्र में जिंदा दफन होना मालूम, कब्र से निकल के भागना मालूम, और खाने के बाद का प्रोग्राम नहीं मालूम। कब्र में दफन होगा, तुम खाना खाओ। मगर अंकल, हाथ तो बंधा हुआ है, खाना कैसे खाएगा? हाथ बंधा है तो मुंह से खाओ। अरे, हम कोई जानवर है जो मुंह से खाएगा? खाना है तो खा लो। प्लीज अंकल, निकलो, हाथ खोल दो। हाथ नहीं खुलेगा। तमिलनाडु ने तेरा खोपड़ी खोल देगा। क्या बोला? हमने बोला कि खाना प्योर ही का है ना, का कुछ चालू भी हमको बिल्कुल चलता नहीं है। और हाँ, अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे इत्तला कर देना। ओके सर। मेरे सामने तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। थोड़ी सी दौलत के लिए मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहती। चेक भेज रही हूँ, कैश करा लो। कहाँ पहुँचाना है इसकी इत्तला तुम्हें मिल जाएगी। हेलो, अजय स्पीकिंग। तुम्हें इसकी चिट्ठी मिल गई? हाँ मिल गई। आज शाम को 4 बजे कैश लेकर आना। उत्तर जाने वाले हाईवे पर बिल्कुल सीधे 15 मील के बाद पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप? हाँ, वहाँ तुमको पूरी इतना मिल जाएगी। 10-10 के नोट लाना, और याद रखो पुलिस के जरिए हमें घेरने की कोशिश मत करना, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम भी मारे जाओगे और लिस भी। हेलो हेलो, आपने मुझे बुलाया क्यों? मैंने आपको इसलिए तकलीफ दी है कि मैंने एक प्लान बनाया है। अगर आप राजी हो तो सारा रुपया हम आपस में बांट लेंगे, किसी और को देने की जरूरत ही नहीं। प्लान क्या है? प्लान तो ठीक है। अच्छा, मैं आपको वहीं मिलूंगा। अच्छा, मैं चलता हूं। सुनिए, कोई गड़बड़ तो? आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। यस यस, यू डोंट वरी सर। राइट 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 सर।
टैंक फुल कर दो। अच्छा साहब। साहब आपके लिए एक चिट्ठी है। किसने दिया तुम्हें ये चिट्ठी? मैं नहीं जानता साहब, उन्होंने आपकी कार का नंबर बताया है और कहा है साहब को दे देना और बहुत अर्जेंट है। मिस्टर अजय तक मैसेज। अजय, पेट्रोल पंप से एक चिट्ठी मिल गई है। उसमें लिखा है रेवड़ा से 12 मील दूर एक बड़े पत्थर के पास दूसरी चिट्ठी मिलेगी। मेरा ख्याल है मैं 15-20 मिनट वहां पहुंच जाऊंगा। अभी तक तो कोई गाड़ी पीछे दिखाई नहीं दे रही। मेरे ख्याल में अब कोई खतरा नहीं, फिर भी मैं वहां पहुंचकर इत्तला करूंगा। ओवर। मैंने तुम्हें पहले ही मना कर दिया था कि पुलिस का चक्कर चलाने की कोशिश मत करना। तुम अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझते हो। खबरदार, कोई हरकत नहीं करनी। गाड़ी रोको। स्टॉप इट। डोंट मूव। गाड़ी पीछे दो। लेफ्ट को मोड़ो। क्विक। रोको गाड़ी। पुलिस से कहो कि तुम्हारी जान खतरे में है और वो तुम्हें 2 घंटे तक तलाश ना करें, वरना तुम्हारी और लिस की जान जाएगी। चालू करो ट्रांसमिशन और जो कुछ मैंने कहा वो ही कहना, समझे? दो घंटे के लिए मुझे तलाश करने की कोशिश मत करो। मेरी और लिस की जिंदगी खतरे में है। मैं आपको रेवड़ा के चारों तरफ पुलिस चौकियों को खबर कर दो कि कार नंबर GDA 3264 खतरे में है, तलाश करें। यस सर। मिस्टर खान, चलो उतरो। क्विक क्विक आई से। ओके, मैं इनको साथ लेकर चलता हूं, आप गाड़ी लेकर आइए। जूते की नाल और चाकू का कमाल। क्या नाम है तुम्हारा? ले जा रहे मुझे।
इतना खतरनाक जुर्म करके तुम पुलिस के हाथों बच नहीं सकोगे। पुलिस, तुम्हारी जली हुई गाड़ी देखकर वो समझेंगे तुमने खुदकुशी कर ली, और जब तक वो तुम्हारी लाश तलाश करेंगे हम अपने ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली?
जाने दो लिस। अजय सुनो, गंसाल्विस? नहीं, मैं फादर गंसाल्विस नहीं। तुमने उन्हें देखा नहीं, वो भी मुझे नहीं जानते, इसीलिए फादर का लिबास पहनकर फायदा उठाया। लेकिन इस सब तुमने क्यों किया अंकल, क्यों किया? मुझ पर इतना कर्ज हो गया था जिसे मैं अदा नहीं कर सकता था, और मैं तुम्हारी जायदाद को बर्बाद भी नहीं कर सकता था। लेकिन तुम मेरे आंखों के सामने मरे थे अंकल। नहीं, हमारा टेलीग्राम मिलने के बाद जब तुम आई, उस वक्त डॉक्टर इंजेक्शन की तैयारी कर रहा था। वो इंजेक्शन दिल की धड़कन ठीक करने के लिए नहीं था, बल्कि थोड़ी देर के लिए बेहोश करने के लिए था। मैं बेहोश हो गया, तुमने समझा अंकल मर गया, तुम बदहवास हो गए, डॉक्टर ने तुम्हें बेहोशी की दवा दे दी। इतनी देर में मेरा दिल काम करने लगा, मैंने अपनी जगह प्रकाश की लाश रख दी। अपने आप को छुपाने के लिए फादर गंसाल्विस का खून करना पड़ा, लेकिन आज मरते वक्त मुझे ये पता चला कि गलत चालों से इंसान जिंदगी की बाजी कभी नहीं जीत सकता। न रो बेटी, न रो। अजय, ले गुनाह मेरे साथ खत्म हो रहे हैं, लेकिन लिस की जिंदगी को इसके साए से भी दूर रखना। मिस्टर अंदर जा, वहां ऊपर एक मकान है, उसकी तलाश लीजिए। ठीक है सर, चलो। मिस्टर अजय, अरे इसको तो बहुत सख्त चोट लगी। अजय, तुम फौरन इन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ, मैं सब यहाँ देखता हूँ। सर, एक लाश इधर पड़ी हुई है और पाओ का बैग इधर नीचे रह गया। बैग इधर है और बैग का लेके जाने वाला भी बाप का माल समझ के लेके जा रहा था। क्यों मैं? थैंक यू मिस्टर जो। सर, अजय तुमने इस केस को बड़ी बहादुरी और खूबसूरती से हैंडल किया, मैं खास तौर से तुम्हारी तरक्की के लिए रिकमेंड करूंगा। थैंक यू सर। सर, उल्लेख के अंकल वो मैं देख लूंगा, तुम लोग जाओ।